वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल sharebazaar.com। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर ग्रुप शेयर के बारे में। तो दोस्तों फ्यूचर ग्रुप का शेयर जो है पिछले कुछ समय से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज में बना हुआ है, और इसके पीछे का गाय जो मुख्य कारण रहा है वो गाय यही रहा है क्योंकि जो ऑडिट्स हुए हैं फ्यूचर ग्रुप के, और साथ ही जो अमेजोन के साथ में और इनका रिलायंस के साथ में जो डील होने वाला था गाय वो भी जो है कैंसिल हो गया है, जिस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा जो है गाय परेशानी का सामना करना पड़ा। और इनकी जो अदर कंपनियाँ भी हैं गाइस उन पर भी जो काफ़ी ज़्यादा डिफॉल्ट पेमेंट हुआ, जिस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो गाइस चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने अपडेट्स के साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे अमेजोन की दो बड़ी कंपनियाँ हैं जो कि क्लाउडटेल और अपेरियो, इनके भी जो गाइस काफ़ी ज़्यादा जो है रेट बढ़ा है और कंपनी कुछ अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही थी, इस वजह से जो CCI ने इन पर रेट डाला है। जाँच की जा रही है, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगा। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप उन लोगों में जो जिनको स्टॉक रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरी रहती है, और आपने अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है और आपको पता नहीं किस तरीके से उसमें एंट्री और एग्जिट लेना है, तो गाइस आप हमारे टेलीग्राम चैनल sharebazaar.com को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ रिलायंस रिटेल जो है क्लेम करने वाला है अपने 6,000 करोड़ फ्यूचर रिटेल से, जिसमें कि उनका 4800 करोड़ वर्किंग कैपिटल का होगा और बाकी का जो बचा हुआ है वो उनका अनपेड से सब लीज रेंटल जो है उनका उससे रिलेटेड होगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा फ्यूचर एंटरप्राइज जो वन टाइम सेटलमेंट को तैयार हो गया है और उन्होंने अपने असेट्स को सेल करने का जो है कोशिश किया जा रहा है ताकि उन पे जो लोन है वो उसको जो रिकवर करा सके। वहीं पर जो इनका EPF जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वहाँ से भी जो इन्होंने रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। 21% तक का इनका अनसिक्योर्ड लेंडर्स हो सकता है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। साथ ही आज मैं आपको बताना चाहूँगा लेंडर्स ने जो ऑप्ट कर लिया है फॉरेंसिक ऑडिट के लिए फ्यूचर रिटेल के, और वो 3 साल के जो स्टेटमेंट को चेक करने वाले हैं, और उन्होंने बोला है यहाँ पे अपॉइंट भी करे हैं फॉरेंसिक ऑडिटर्स को जो कि 2 लोग जो है चेक करेंगे इसके रिगार्डिंग में, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऑडिट हो जाएगा क्योंकि कंपनी के लोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और 3495 करोड़ का जो डेप्ट है वहाँ पे भी जो देखिए किस तरीके से कंपनी प्रोसीड करता है। साथ ही NCLT में तो प्रोसीडिंग 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि जो दो जज हैं उन्होंने जो इस पर स्टार्ट कर दिया था, बाबू गौतम और निहारी देशमुख जी ने, और यहाँ पे इन्होंने जो रखा था उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जो मैं कह सकूँ आपके लिए इंटरप्रेटर जो प्रोफेशनल है जो कि विजय कुमार भी अय्यर को डिलीवर कर रखा है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा अदर कंपनी फ्यूचर रिटेल जो है प्रेशर में है, लेकिन अदर कंपनियां भी जो है अगर इसको सपोर्ट कर दी तो शायद फ्यूचर रिटेल का कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो गाइस कंपनियां तो दिवाली होने लगभग तय है और केस जो है काफ़ी लंबा चलने वाला है। फ्यूचर लाइफ स्टाइल को लेकर अभी कोई अपडेट आया नहीं है, तो जैसे ही नया अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ लवली डे, और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन